हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मोटो एक्सप्लोर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज्ड कार्स के बारे में। तो आज मैं आ गया हूँ पैशन कार्स में। ये आप इनकी कार की कलेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 1.5 लाख से लेके 30 लाख रुपीज़ तक की प्राइस रेंज है यहाँ पे। और इनके पास जो कार्स आती है वो नॉन क्लटर्ड और नॉन एक्सीडेंटल होती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट कार आती है वो है होंडा सिटी। ये 2007 मॉडल की है। ये आप देख रहे हैं इसका साइड प्रोफाइल। चलिए आपको मैं इसका इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसकी बैक सीट, इसका फ्रंट केबिन व्यू, तो चलिए इसके डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसकी डिटेल्स हैं। पेट्रोल वर्जन है ये होंडा सिटी 2007। 1,58,000 किलोमीटर चल चुकी है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है इसकी और इसकी आस्किंग प्राइस है 2,45,000, नेगोशिएबल। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है शेवरोले क्रूज। 2010 मॉडल की है ये और ये डीजल वर्जन है। ये वाइट कलर में है। इसके आप टायर की कंडीशन देख सकते हैं। ब्रांड न्यू टायर्स लगे हुए हैं अलॉय व्हील्स के साथ। चलिए इसका फ्रंट सीट देख लेते हैं। आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एलसीडी डिस्प्ले और ये मैनुअल वर्जन है ये। की बैक सीट, चलिए इसकी प्राइसिंग और मैं डिटेल्स इसकी दिखा देता हूं आपको। फ्यूल डीजल है 2010 मॉडल। 64,890 किलोमीटर चल चुकी है। इंश्योरेंस इसका भी एक्सपायर्ड है और इसका आस्किंग प्राइस है 3,60,000, नेगोशिएबल है ये। और फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है होंडा सिविक। बहुत टाइम तक लोगों की फेवरेट थी ये। 2008 मॉडल की है। में भी आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और टायर्स इसके 60% तो चल जाएंगी टायर्स इसकी। देख सकते हैं पावर विंडोज। ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। बैक सीट व्यू, काफी वेल मेंटेन कार है ये। ये रही इसकी डिटेल्स। होंडा सिविक पेट्रोल 2008 मॉडल की है। 89,511 किलोमीटर चल चुकी है। इसका आस्किंग प्राइस 4,25,000 है, नेगोशिएबल। स्कोडा ऑक्टेविया 2014 मॉडल की है ये, ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये भी डीजल है।
इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और ये टायर्स की कंडीशन। चलिए इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। विंडोज, फ्रंट कैबिन व्यू, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एलसीडी डिस्प्ले, इसमें आपको मिल जाती है सनरूफ, यहाँ पे मिल जाती है आपको रियर एसी वेंट्स, इसकी बैक सीट व्यू, चलिए इसकी बाकी की डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्यूल टाइप डीजल, स्कोडा ऑक्टाविया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2014 मॉडल, 70,622 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी आस्किंग प्राइस 11,95,000 है जो कि नेगोशिएबल है। आप मुझे या पैशन कार्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कार की बात करते हैं, ये भी स्कोडा रैपिड है। इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, ये आप टायर की कंडीशन देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। पावर विंडोज, ये फ्रंट कैबिन व्यू, ये मैनुअल वर्जन है। इसकी रियर सीट, चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। स्कोडा रैपिड डीजल 2013 की मॉडल है ये। रीडिंग इसकी 77,000 किलोमीटर्स है। इंश्योरेंस इसमें अवेलेबल है। इसकी आस्किंग प्राइस 5,45,000 है, नेगोशिएबल। तो फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है होंडा सिटी। ये 2009 मॉडल की है। इसमें भी आपको मिल जाती हैं अलॉय व्हील्स और ये टायर की कंडीशन। चलिए इसके इंटीरियर्स देख लेते हैं। पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इसकी बैक सीट व्यू, इसकी प्राइसिंग और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये पेट्रोल वर्जन है होंडा सिटी। 83,960 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 3,60,000 रुपीज नेगोशिएबल है ये। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग मोटो एक्सप्लोर।